अयोध्या से पहले चित्रकूट में दीपावली मनाने की है परंपरा। सांसद आरके सिंह पटेल, सांसद संघ भाजपाइयों ने मनाई पुल घाट पर दीप जलाकर दिवाली। चित्रकूट में हर वर्ष की भांति भारतीय जनता पार्टी ने भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर दीपावली पर्व मनाया, जिसमें बांदा चित्रकूट सांसद सहित सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यालय के पुलघाट पर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने अंजू शर्मा व अर्चना सिंह के नेतृत्व में घाट पर प्रभु श्री राम, माता सीता व राम भक्त हनुमान जी की शानदार रंगोली बनाई और रंगोली को दीपकों से सजाया, जिसका शुभारंभ बांदा चित्रकूट सांसद आरके सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी, नगरपालिका कर्मी चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता, चेयरमैन पंकज अग्रवाल व समाजसेवी राम बाबू गुप्ता सहित ईओ नगरपालिका लालजी यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। सांसद आरके सिंह पटेल ने कहा कि भगवान श्री राम जब लंका विजय कर अयोध्या लौटे तो सबसे पहले चित्रकूट में ऋषियों से मिलने पहुंचे। उनके आगमन पर स्वागत दीप जलाकर किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या से पहले दिवाली चित्रकूट में मनाई गई ऐसी परंपरा है, इसीलिए हर वर्ष हम चित्रकूटवासी दीपोत्सव मनाते हैं। मेरे जीवन में पहली बार इस प्रकार का चित्रकूट धाम में दीपावली महोत्सव योगी सरकार में हुआ है। जिलाध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी ने कहा कि रावण जैसे राक्षस की हत्या कर लंका विजय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चित्रकूट पहुँचने पर हम लोग दीपावली पर्व मनाते चले आ रहे हैं। चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि मोदी योगी सरकार के सहयोग से प्रभु श्री राम के अयोध्या व चित्रकूट धाम में ऐतिहासिक दीपावली पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें पहली बार विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किए गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की तपोस्थली चित्रकूट में ये बहुत पुराना दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर होता आया है और भव्य दीप दान चित्रकूट का ऐतिहासिक रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय हमारी प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या और चित्रकूट पर विशेष ध्यान दिया है और आज चित्रकूट में पहली बार मेरे जीवन में और तमाम हमने बुजुर्गों से भी पूछा, पहली बार इस तरह का भव्य दीपदान दीपोत्सव का मेला यहाँ पर चित्रकूट की पावन धरती पर, यहाँ पर कामतानाथ जी के पवित्र स्थल पर मां मंदाकिनी के तट पर पूरी रोडों को सजा करके सांस्कृतिक धरोहरों को सजोने का काम और दीपोत्सव मनाने का काम यहाँ हुआ है। पूरे प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कई राज्यों से यहाँ हमारे कामतानाथ जी की पवित्र धरती पर लोग दीपक जलाने आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पे विजय प्राप्त किए तो वो चित्रकूट से जब लौटे तो अयोध्या के पहले चित्रकूट में ही दीपोत्सव की शुरुआत हुई, यहीं लोगों ने दीपक जलाया। विजय प्राप्त करने के बाद विजयादशमी यहीं मनाई गई, यहीं दीपोत्सव शुरू हुआ। बाद में अयोध्या पहुँचे तो वहाँ भव्य विजयादशमी का पर्व और जो भी दीपोत्सव हुआ वहाँ बाद में हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ पहले शुरू हुआ, लौटते समय पहले रास्ते में पड़ा तो चित्रकूट में उसका महत्व है। पहली दीपोत्सव वहाँ से विजय प्राप्त करने के बाद यहीं मनाई गई और यहीं पर विजयदशमी मनाई गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की ऐसा लोगों का मानना है, तो इसलिए आज हमारे जिलाध्यक्ष जी पार्टी के, आदरणीय हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब आदरणीय नरेश गुप्ता जी और सभी हमारी पार्टी के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के साथी, हमारी पूरी टीम, महिला टीम और सारे लोगों ने मिलकर के यहाँ पर प्रतिवर्ष ये स्थान, यहाँ जहाँ घाट पे हम लोग, राम घाट पे हमारा घाट है, जहाँ पुल घाट पे, तो यहाँ पर हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाते आए हैं। उसी कड़ी में आज भी यहाँ भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब, हमारे राम बाबू गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी पंकज अग्रवाल जी और सभी हमारे यहाँ पर गणमान्य लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में, युवा मोर्चा के आदरणीय हमारे साथी और सभी यहाँ पर रवि त्रिपाठी जी सहित महिला मोर्चा की टीम और सारे साथी यहाँ पर आज उपस्थित रहे और उन्होंने इस दीपोत्सव कार्यक्रम को सजाने संवारने का काम, जो हमारी बेटियाँ यहाँ पर आईं उन्होंने भी यहाँ पर रंगोली बनाने का काम किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की सीता माता की फोटो उन्होंने चित्रण करने का काम किया, उनको भी बधाई। और यहाँ पर दीपोत्सव इस मौके पर आम आवाम को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये दीपावली का त्यौहार सबके घरों में खुशियाँ लाए, लक्ष्मी आए, दरिद्र जाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही सपना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। सर पर
मैं अपने सभी नगर के लोगों को, आए हुए सभी श्रद्धालुओं को और आप सभी पत्रकार बंधुओं को दीपावली की बधाई देता हूँ। क्योंकि आज का दिन भारतवर्ष के लिए एक ऐसा दिन है जिस दिन, और ख़ास तौर से चित्रकूट के लिए, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, इसमें से लगभग 12 वर्ष का समय चित्रकूट में व्यतीत हुआ और उसके बाद जो उनका संघर्ष रहा और बुराइयों के प्रति जो उन्होंने विजय प्राप्त की, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई वो चित्रकूट के लोगों को हुई। भगवान राम, तुलसीदास जी ने लिखा है कि चित्रकूट में हर पल हर क्षण भगवान के रूप में, भगवान राम के रूप में यही विद्यमान है। इसलिए अयोध्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनका जन्म वहाँ हुआ है, लेकिन चित्रकूट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जहाँ उन्होंने तपस्या करके एक शक्तियाँ प्राप्त की और बुराई से लड़ने के लिए पूरी शक्ति प्राप्त करके और यहाँ से जब गए और जब लौटने लगे, जैसे माननीय सांसद जी ने आपके अभी कहा हमारे बीच में कि निश्चित रूप से ये चित्रकूट के लिए गौरव का विषय है कि हम लोगों का यहाँ जन्म हुआ है, जहाँ भगवान राम को एक 12 वर्ष के लगभग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए आज हमेशा से यह दीपावली का हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम यहाँ मनाया जाता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से चित्रकूट में दिव्य और भव्य यहाँ पर जो है दीपावली का उत्सव मनाया गया है और इसमें हमारे इस बांदा और चित्रकूट के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आरके पटेल सिंह जी का बड़ा ही योगदान और सुझाव रहे। हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री लघु चतुर्वेदी जी का बहुत ही सुझाव रहा और जिससे यह जो आप एक अच्छी व्यवस्था के साथ यहां पर आप जो है रामलीला हुई और तमाम सारे कार्यक्रम हुए, बुंदेलखंड के संबंधित जिस तरह से हम लोग दिवाली नृत्य से लेकर दीपावली मनाने के तमाम सारे कार्यक्रम यहाँ करते थे वो सम्पन्न हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष वनवास बाद जब अपने घर पहुंचे, अयोध्या 14 वर्षों तक अंधेरे में थी, कभी वहां दीपक नहीं जला, वहां खुशियां नहीं मनाई गई। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या पहुंचे, यह दीपोत्सव हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक है, ये विजय का प्रतीक है। एक ऐसे राक्षस जो विश्व विजेता था, उस राक्षस की हत्या करके, उसको मार करके भगवान श्री राम ने अपना मर्यादाओं का ध्यान देते हुए, और श्री राम ने जो काम किया हुआ कठिनीय है, इसीलिए वो भगवान माने गए और ये तपोस्थली है भगवान राम की। इसलिए यहाँ बनता है कि जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम विजय के बाद वहाँ पहुँचे, यहाँ तप किया था उन्होंने, यहाँ से शक्ति अर्जित किया था, इसके बाद राक्षसों का वध हुआ था। इसलिए आज का दिन दीपोत्सव हम सबको लिए, भारतवर्ष के लिए, इस जनपद के लिए सर्वश्रेष्ठ है और कामतनाथ की धरती में बस केवल यही कहना चाहता हूँ कि सारे लोग अपने अंदर की अंधेरे को दूर करके और हृदय में प्रकाश लाएं, समाज की सेवा करें। जय श्री राम, जय खंडवा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा, अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एम्स और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।